उसने थोड़ा वक्त मांगा है स्प्रेंजा, वो जरूर कोशिश करेगी। उसने मिलने से मना कर दिया तो ये उसका फैसला होगा, हमें कद्र करनी पड़ेगी चाहे कितनी भी मुश्किल हो। नहीं नहीं, ये नाइंसाफी है। जेल में रहने के बाद मुझे ये मिला, अपनी बेटी से दूर रहना होगा। दखल देने के लिए माफी चाहती हूँ, पर 11 साल गुजर गए हैं, इस रिश्ते को फिर से सुधारने की जरूरत है। वो अपने बचपन की यादों से जुड़ी है, उसे समझो और थोड़ा वक्त दो, मुझे यकीन है मान जाएगी जब वो तुम्हारी इस कोशिश को देखेगी। आखिर तुम्हारी इकलौती बेटी है, तुम्हारी इन बातों को समझ जाएगी, तुम फिक्र मत करो। गबे तो कहाँ है? हम बात कर सकते हैं? नहीं, कम से कम मैं रुकी तो सही। तुम खाना खाओगी? तैयार हो? क्या क्या हुआ? आजा आजा, अच्छा, मुझे दिखाओ, मुझे मुझे देखने तो मोटे। ये क्या है? इसका कुल इतना ही फुटेज है? नहीं 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 मोटे, इसमें जरूर कुछ और होगा। तुम जरा ध्यान से देखो, इस आदमी की वजह से कई लोगों की जान गई है, ठीक से देखो। कैसी बातें कर रहे हो, मुझे लगता है कि वो एक मक्खी भी नहीं मार सकता। बात मानो, अच्छे से देखो। स्प्रेंजा जी, मिस्टर ब्रैडली, आपसे बात करके खुशी हुई। मुझे भी तुमसे बात करके बहुत खुशी हुई। तो ये बताओ, अपनी बेटी से मिली या नहीं? हाँ हाँ। एक बात बताओ, इस वक्त तुम कहाँ हो ताकि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं? हो सकता है मेरे आने की वजह से सब कुछ ठीक हो जाए। हम कहाँ हैं? आप मुझे थोड़ा वक्त दीजिए प्लीज। वक्त चाहिए? वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। देखो, अगर डीएलए वालों ने तुम्हें ढूंढ लिया तो सच कहूं तो हम लोग सब खो देंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। सुनिए, पहले मुझे अपनी बेटी से बात करनी होगी। उन्हें इस बारे में कुछ पता चला है जिससे कि एजेंट की मौत का खुलासा होता है, पर क्या कहा? देखिए, ये बात सच है, मैं फोन करके आपको सब बताऊंगी। फिलहाल मैं रखती हूँ, माफ कीजिए, बाय। Thank you.
उठे देख उस आदमी ने उसे गोली मार दी। मुझे इस वीडियो की कॉपी चाहिए अभी। नहीं नहीं, मैंने तुमसे कहा ना कि मैं कॉपी नहीं बना सकता, लेकिन एक बात कहूं, हम मोबाइल से इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। क्या बात है, बढ़िया। क्या तुम मुझसे कुछ और कहना चाहते हो? नहीं, मुझे जो कुछ भी कहना था वो मैंने ओपीआर वालों को बता दिया है। इस केस में तुम्हें इंटरेस्ट क्यों है? तुम जानना चाहते हो मुझे इसमें इंटरेस्ट क्यों है? जिन लोगों ने हैरिसन को मारा है उन्हें मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारी जांच की जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, होशियार रहना। तुम भी। मेरी तकलीफ के लिए तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तुम भी मेरी तरह तड़पोगे। जूलियन मेरा हथियार होगा। हमें उस पैसे को निकालने के लिए जल्द से जल्द कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। 3 हफ्तों में स्टाफ बदल जाएगा। ये बहुत खतरनाक होगा रिकार्डो। बिल्कुल नहीं, हम इसे अच्छे से कर सकते हैं। A very good morning, Mrs. Mariana. Good morning, Kavidis. अगर आप जिम जा रही हैं तो मैं आपको छोड़ देता हूँ। तुम तकलीफ क्यों ले रहे हो, मैं चली जाऊंगी। नहीं, नहीं नहीं नहीं, तकलीफ की कोई बात नहीं है। बॉस ने कहा है कि आप और आपके बेटे का यहाँ पर अच्छे से ख्याल रखा जाए और मैं उन्हें शिकायत का मौका नहीं देना चाहता। Perfect. मैं बात नहीं करना चाहती। अब हम दोनों साथ में हैं। मैं वो नहीं करना चाहती जो तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हें जो भी चाहिए मैं दे दूंगी। तुम्हारी हर पसंद को पूरा करूंगी। मुझसे कुछ भी पूछ सकती हो। मैं नहीं चाहती तुम मुझे बताओ डैड के साथ क्या हुआ था। मैं ये बता सकती हूँ कि मेरे साथ जेल में क्या हुआ। मुझे उस कहानी में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये कहानी नहीं है और इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मेरा? हाँ, तुम्हारा। सुबह उठती तो तुम्हारे बारे में सोचती और ये सोचती कि कब बिस्तर पर जाऊं और तुम्हारे सपने लूं, तुम्हारी खुशनुमा यादों को सोचूं। हम दोनों की वो प्यारी यादें जब तुम छोटी थी, कैसे मैं तुम्हें खिलाती थी, कैसे तुम शैतानी करती थी। क्या तुम्हें घर के पास वाला पार्क याद है? याद है तुम्हें कितना पसंद था? नहीं। मेरी रूह उन यादों से भरी हुई है। तुम हमेशा मेरे साथ थी। हमारा समंदर किनारे जाना, वहां पर घूमना और फ्लेमिंगोस को देखना, और तो क्या हुआ? मुझे ये सब कैसे याद होगा क्योंकि हम वहां कभी गए ही नहीं। पर मैंने तुम्हें उनकी प्यारी कहानियां सुनाई थी और तुमने मेरे लिए खूबसूरत तस्वीर बनाई थी और वो तस्वीर बहुत शानदार थी। वो सारी जगह कितनी खूबसूरत थी। हम्म,
मैंने उन यादों को संभाल कर रखा है, पर हालात मेरे काबू में नहीं थे, मैं उनका कुछ नहीं कर पाई। निराश करने के लिए सॉरी। नहीं नहीं, तुम मुझे निराश नहीं कर रही। मुझे तुम्हें अपनी बाहों में कस कर पकड़ना था, तुम्हें बहुत सारा प्यार करना था। मुझे जिंदगी में इससे पहले कभी भी इतनी खुशी नहीं मिली बेटा। जूलियन से मिलना सबसे बड़ी खुशी होगी ना? नहीं, तुम मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी हो, तुम मेरी जिंदगी हो बेटा। भले ही तुम मुझसे कितनी भी नाराज हो, पर मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मरते दम तक करती रहूंगी, क्योंकि तुम मेरी बेटी हो, मेरा सब कुछ हो। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं चाहती हूं मुझे देखकर सच क्या है ये बताओ। देखो मेरी तरफ। वो आदमी स्पैनियार्ड, उसने कहा तुम कातिल हो। बताओ क्या ये सच है? वो बात मत पूछो जो तुम्हें नहीं जानना चाहिए। मुझे ड्रग्स की लत थी, मैंने चोरी की, और हाँ कई लोगों का कत्ल किया, पर स्कार ने किया ये। तुम्हें नहीं लगता कि ये कहना बहुत आसान है कि ये तुमने नहीं किसी और ने किया है? मैं अब खुद को नहीं बदल सकती। अरे पर अब तो तुम खुद को बदल सकते हो ना? अगर तुम स्पैनियार्ड के साथ सब ठीक नहीं कर सकते, तो इस नए शरीर के साथ भी तुम सिर्फ और सिर्फ स्कार ही रहोगे। पर पहले मुझे इंसाफ करना है। इंसाफ करना है या बदला लेना है? रिकार्डो किसी एक का हकदार है। हेलो मरियाना, क्या तुम जानती हो कि तुम किस झूठ के साथ जी रही हो? कौन बोल रहा है? वो भेड़ के रूप में एक भेड़िया है। कौन बोल रहा है? अपनी आंखें खोलो। हेलो, चलो चलते हैं। मिसेस मरियाना, आप ठीक तो है ना? हाँ, मुझे रिकार्डो के ऑफिस जाना है जल्दी। परफेक्ट। तुम्हें यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, तुमने अच्छा सरप्राइज दिया मुझे। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहो ना, क्या बात है हमारी? मुझे किसी का कॉल आया था, कोई औरत थी और वो तुम्हारे बारे में बहुत कुछ कह रही थी। रिकार्डो मुझे सच बताओ, तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? नहीं, तुम कैसी बातें कर रही हो मरियाना? हम वो जिंदगी जी रहे हैं जिसका मैं सपना देखा करता था, तुम्हारे साथ का। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है रिकार्डो, वो औरत मुझे तुम्हारे बारे में फोन करके ये सब क्यों कहती? मुझे नहीं पता, शायद कोई हमें नुकसान पहुंचाना चाहता है। तुम अच्छे से जानती हो कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ मरियाना, मेरा यकीन करो। पर मुझे वो कॉल आया था और मुझे लगता है वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी। मैं जानता हूँ मरियाना,
मेरी बात सुनो, मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ, मेरा यकीन करो मरियाना। मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हारे और सैमुअल के साथ भी। मैं किसी और को नहीं चाहता, मैं हमारी भलाई चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम साथ में रहें, खुश रहें, यहाँ तक कि जूलियन भी। मैं उसकी बेगुनाही का सबूत चाहता हूँ। तुम्हारे अलावा कुछ नहीं चाहिए मुझे मारियाना। मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है, और मैं बिल्कुल भी ये नहीं चाहता हूँ कि कोई औरत आए और हमारी जिंदगी को बर्बाद कर दे। सभी यूनिट्स ध्यान दें, रिपोर्ट मिली है कि संदिग्ध मिकाला को सड़क पर देखा गया है, करीब 5 किलोमीटर की दूरी पे। आई रिपीट। समझ गए, हम लोकेशन के पास हैं। पुलिस आ रही है। भागो मत, हमने तुम्हें घेर लिया है। पता नहीं कहाँ चले गए। इस तरफ आओ, जरा संभल कर, कच्चा रास्ता है। पिछली बार जब छलांग लगाई थी तो मैं डूबने वाली थी। मुझ पे भरोसा करो, चलो। हमें उस तरफ चलना होगा। जल्दी आओ। रुको, वो जा चुके हैं। तुम नीचे से आओ और मैं ऊपर से जाती हूँ, ठीक है? नहीं, घर चलो, जल्दी अंधेरा हो जाएगा और खतरा बढ़ जाएगा। मुझे लगता है वो जल्दी लौट आएंगे। चलो एस्परांजा, जल्दी आओ। निकला, निकला, आ जल्दी। आजा, आजा। क्या तुम ठीक हो?
जाओ उधर जाके देखो। क्या हुआ? लोगों ने मुजरिम को यहां से निकलते हुए देखा है। निकलते देखा है? तुम किस मुजरिम की बात कर रहे हो? वो जरूर घर के पिछले हिस्से में दाखिल हुए होंगे और कुछ नहीं। क्या तुम मुझे नहीं जानते मोंटानो? मैं तो हैरान हूँ, तुमने मेरा घर तहस नहस कर दिया। तुम चाहते क्या हो? कुछ मिला क्या बर्नल? हर्नांडेज, कुछ मिला क्या? नहीं सर। हाँ बताओ, कुछ मिला बताओ। हम चलते हैं। अगली बार आना हो तो बताकर आना, फोन करना। बाप रे, बाल बाल बचे। अकेला हम लगातार नहीं चल सकते, अंधेरा होने वाला है। तो हम यहीं पर छिप जाते हैं? हमारे पास कोई चारा नहीं है। चलो कोई जगह ढूंढते हैं। जरा ध्यान से खबर मिली है कि वो लोग जंगल की तरफ गए हैं। तुम लोग उनका पीछा करो, किसी भी सूरत में वो बचने नहीं चाहिए। तुम ठीक हो ना? चलते रहो, चलते रहो। पता नहीं तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो। मैंने मरियाना को कॉल नहीं किया था। पी करके मेरे घर में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? देखो, मैंने ये बात साफ कर दी थी कि हाइड्रोस्पियर से पैसे लेने के लिए हम साथ में थे। मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना और यही सच है। आज से मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, समझ गई ना? और अगर तुमने मरियाना के दिमाग में कुछ भी भरने की कोशिश की तो मैं तुम्हें। देखो मेरी बात मानो, मैंने कॉल नहीं किया था। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि कौन सी औरत उसे परेशान कर सकती है? क्योंकि मुझे लगता है ऐसी बहुत सी होंगी। कौन था? जवाब क्यों नहीं देते? रिकार्डो। जवाब तो बेवकूफ कहीं के। तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी माँ को मारियाना बोल के बुलाऊंगा। वो मेरे काबू में है, तो अपने बारे में सोच। क्योंकि अगर मैं अपनी पे आया तो मैं तेरा क्या हाल करूंगा, तुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है। तेरा वो हश होगा कि तू खुद को पहचान भी नहीं पाएगा। तुम्हें पता भी है कि वो आदमी तुम्हें कितना नुकसान पहुंचा सकता है? हाँ, पर उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। मुंह फट को फांसना बहुत आसान होता है माँ, और वो अपनी कब्र खुद खोद रहा है। तुम क्या करने की सोच रहे हो? इस रिकॉर्डिंग को स्पैनियार्ड को भेजोगे? नहीं, रिकार्डो के खिलाफ अभी इतना सबूत नहीं है। तो तुम क्या करोगे? तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है माँ। जूलियन का उसकी आंखें खोलने का इंतजार है और रिकार्डो खुद बर्बाद हो जाएगा। तब तक मैं उसके पार्टनर में शक पैदा कर दूंगी।
जो कि स्पाइनर्ड की एक्स वाइफ है। ओके, रिलैक्स और आप ये खाइए। यकीन नहीं होता पर मैंने तुम्हें कहा था रिकार्डो, तुम्हें याद है मैंने कहा था कि रमीरेज इसमें शामिल है। ऐसे मानना पड़ेगा कि तुम्हें सब कुछ पता है क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया है और वो एक बुरा इंसान साबित हुआ। वैसे पुलिस तहकीकात कर रही है और उसने बयान भी दे दिया है। लेफ्टिनेंट मोरालेस को रिपोर्ट किया? हाँ, मैंने पहले यही किया। जैसे ही मुझे सबूत मिले ये आदमी धोखाधड़ी में शामिल है, वैसे ही मैंने मोरालेस को कॉल किया। रिकार्डो, अगर रेमिरेज इसका जिम्मेदार है तो फिर जुलियान इस जुर्म से आजाद हो जाएगा, है ना? तुम्हें लगता है कि रेमिरेज का कमीला की मौत से कोई लेना देना होगा? वैसे मैंने भी यही सोचा था, हमें मोराल से मिलकर पता लगाना चाहिए। पर यह बहुत ही अजीब होगा क्योंकि रेमिरेज तो बहुत ही सीधा साधा लगता है। कैसी बातें कर रही हो मारियाना, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमें फिर से धोखा मिल जाए मारियाना। चलो निकला, उठो जल्दी उठो, चलो चलते चलो। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या मतलब कि हम कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं और क्या? क्यों? क्यों का क्या मतलब है? मुझे लगा हम फिर से सफर करेंगे, तुम और मैं ठीक उसी तरह जब हम मिले थे। याद है ना तुम्हें, हम हमेशा साथ रहते थे। निकेला, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? जल्दी चलो, तुम्हारी मॉम दुखी होंगी। उन्होंने कॉल क्यों नहीं किया? रिलैक्स, वो आ जाएंगे। हो सकता है उनके मोबाइल में सिग्नल ना हो। हो सकता है। क्या करूं, ये तो पुलिस है। खोल रही हूं। अंदर आओ, जल्दी करो जल्दी। क्या हुआ, क्या बात है? ठीक तो हो ना? हम ठीक है। कुछ गलत नहीं, हुआ नहीं, नहीं, हम ठीक है। तुम ठीक हो ना? इतना खुश होने की जरूरत नहीं, हमारे पीछे पुलिस लगी है। क्या पुलिस यहाँ तक पहुँच गई? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो लोग पीछे रह गए। वैसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, पर हम लोग क्या करते, मैं इसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। शुक्रिया। मैं बहुत खुश हूं। तुम कितने गंदे हो गए हो, जाके नहा लो। अच्छा, तुम्हारे लिए एक खबर है। जल्दी बताओ। मुझे एक वुमेन्स लैब मिली है, पास में ही है। हाँ, डिलीवरीज बोगोटो से गिरोन की गई है, लेकिन उसने जगह बदल दी। हमें इसे फिर से भेजना होगा। खैर, देखते हैं। एक सेकंड रुको। तुम क्या कर रही हो? कॉल कर रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग सर, मैं जस्टिना मेंडोजा, आप कैसे हैं? मैं आपकी एक क्लाइंट हूँ। मुझे कुछ पूछना है, मुझे जानना है कि आपके पास सही एड्रेस तो है ना, क्योंकि मुझे अभी तक सामान नहीं मिला है।
हाँ, क्या आप कंफर्म करेंगे? जी हाँ हाँ जी, ये सही है। तो डिलीवरी कब तक कर रहे हैं आप? अच्छा, इतना वक्त लग जाएगा। हाँ शुक्रिया। ओके ठीक है। ओके बाय। क्या जस्टिना मेंडोजा जो है वो गुएना में है? रुको। लेकिन वो हर ट्यूसडे मेल ऑफिस जाता है सामान लेने के लिए। क्या आज ही वो दिन है? हाँ आज ही वो दिन है। बहुत बढ़िया काम किया एस्परेंसा। इतने खुश मत हो जाओ, हम नहीं जानते कि इस कार वहां पर है या नहीं। ये एक इशारा है निकेला। कुछ भी शुरू करने से पहले तुम जानती हो मैं इस बारे में बात नहीं कर सकता। हमारे लिए? हाँ हमारे। हेलो हेलो, मैं गोबेटो बोल रहा हूँ। गोबेटो हाय, कैसे आओ? मुझे दो। हेलो, क्या तुम मुझसे मिलने वाले नहीं हो? हेलो, तो आखिर तुम आ ही गई, कैसी हो तुम? हाँ, जूलियन ने मुझे ढूंढ लिया और उसने मुझे ये भी बताया है कि तुम्हें कुछ सबूत मिले हैं, क्या ये सच है? हाँ, मैंने तुम्हें इसीलिए तो फोन किया है। देखो मिकेला, मैं समझ गया हूँ उस आदमी को तुमसे क्या चाहिए। तुमने वो सब देखा? हाँ मैंने देखा। जूलियन ये सुनो, गोबेटो ने सब कुछ देखा। गोबेटो, गोबेटो जूलियन बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। हाँ सुनो मेरी बात, मैंने खुद देखा हाउस्टर ने पुलिस वाले को मारा। क्या तुम मेरे लिए उसकी एक कॉपी बना सकते हो? उसकी कॉपी मिलना मुश्किल है, पर मेरे दोस्त ने उसे मोबाइल पर रिकॉर्ड कर लिया है। मैं उसे पुलिस को दे दूं क्या? नहीं, ऐसा मत करना, बहुत ही खतरनाक होगा ये। ह्यूस्टन रुकावट डाल सकता है, इसे पहले तुम छुपा दो, हम इसके बारे में बाद में सोचेंगे कि क्या करना है। तो बैठो, तुमने अच्छा काम किया है, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बाय। क्या हुआ, क्या हुआ? हम जानते हैं कि उसे याद था। हाँ? एक वीडियो है जिससे मिकेला की बेगुनाही साबित हो जाएगी। उसमें दिख रहा है कि हॉस्टल ने उस एजेंट को मारा है, बिल्कुल साफ 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 दिख रहा है। ये हमारे लिए एक अच्छी खबर है, फिर तो इस बात के लिए हमें खुशी मनानी चाहिए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है अब हम मिस्टर ब्रैडली को कॉल कर सकते हैं, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा अब तुम जाओ, जाकर नहा लो। थैंक यू, जाओ जाके नहा लो, तुम भी। कैसे हो दोस्त? ये क्या कर रहे हो? रिलैक्स, जो कहता हूँ सिर्फ वो करो। अपना लेफ्ट हैंड स्टेयरिंग पे रखो और अपने राइट हैंड से अपनी गन निकाल के मुझे दो, समझ गए? चाहते क्या हो? अपनी आवाज नीचे ही रखो, चलो अपनी गन मुझे दो, आराम से आराम से बच्चे। वेरी गुड वेरी गुड, चालाकी मत करना। हाँ अब हम एक जगह जाने वाले हैं, अच्छी जगह है, तो चले मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। ओके, डरने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दोस्त हो। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? बोल रहा हूं वैसा करो। अजीब है, फोन नहीं उठा रहे। अजीब क्यों, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। तुम क्यों नहीं समझ रही कि वो ये सब तुम्हारे लिए कर रहा है? समय आ गया है कि तुम गोने से इस कार को ले आओ। कहना क्या चाहते हो, हम लोग अलग हो जाएं? मैं उस आदमी के आगे बढ़ते रहने का खतरा मोल नहीं ले सकता, मुझे उसे लाना होगा। तो चलो हम साथ में चलते हैं जैसा हमेशा करते आए हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम मुझे मत बताना मुझे क्या करना है। क्या करना है? ये बात बिल्कुल सही है। ओके तुम यहीं रुको, मैं उसे जाकर लाता हूं और उस आदमी को तुम्हें मारने दूं। ठीक है जा। चुप रहो मैकेला, ये तुम्हारा काम नहीं है,
जूलियन जानता है कि क्या करना है, उसे पता है कि पुलिस को कब बुलाना है और क्या करना है। अच्छा, पुलिस चीजें भी, कम ऑन, पुलिस जूलियन को पकड़ लेगी। देखो, मेरे पास कोई बढ़िया प्लान नहीं है, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, समझ गई? तुम यहाँ रुको, मैं उसे लेकर आता हूँ। ये तुम्हें बहुत चाहती है ना, इसलिए हर बात से जलन होती है। मुझे लगता है ये सारी की सारी बातें बेतुकी हैं। बिल्कुल भी बेतुकी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुमसे बहुत नाराज हूं मैकेला, तुमने मुझसे झूठ बोला है। क्यों? मैं भूल जाना चाहती थी कि मैं कौन हूं, कहां से आई हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस दिन से मैं आई हूं, तुम दोनों के बीच एक तरह की दरार सी पड़ गई है। सही कहा ना? ये सब उसके दिमाग की सोच है, पता नहीं कैसे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर जाने से पहले उसे शांत करने के लिए उसे बात कर लेना, क्योंकि वो बहुत उदास है। क्या मैंने तुम्हारी मदद नहीं की? हाँ की है। पिछला सब कुछ भूलकर तुम आगे की क्यों नहीं सोचती? मेरे पास है क्या? एक औरत ये कहते नहीं थकती कि वो मेरी माँ है, और एक लड़का जो मुझे लगा, तुम्हें लगा कि वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? देखो, वो तुम्हारी मॉम के साथ है, तुम्हारे साथ नहीं फिलहाल के लिए। तुम जूलियान से खुद का मुकाबला कर रही हो, अफसोस की बात है, क्योंकि एस्पेरेंजा तुम दोनों का भला चाहती है, वो तुम्हारा बुरा नहीं चाहती है। और जूलियन, वो तुम्हें अपनी बेटी मानता है। पर मैं उसे अपनी ओर खींच सकती हूँ, जैसे वो उसे खींच रही है। नहीं मिकेला, नहीं, तुम लोगों को अपने हिसाब से नहीं चला सकती। पर हेलेना, उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग्स हैं, बस उसे उसका एहसास नहीं है, या वो समझना ही नहीं चाहता। मुझे नहीं पता तुम्हें क्या चाहिए, पर मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी हम लोग अच्छे दोस्त हैं, है ना जॉनी? तो फिर हम बात करते हैं। हे, बहुत बोलते हो, चुप रहो वरना मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम सपने में भी नहीं सोच सकते हो। चल गाड़ी रोक। सेफ्टी बेल्ट खोलो, आराम से बच्चे, हाँ आराम से, लो इसे अपने हाथ में बांध लो। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ठीक है जॉनी, चलो बाहर आओ बच्चे। तुम्हें नजारा पसंद आया जॉनी? नजारा पसंद आया? आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मुझे यहाँ क्या मारने लाए हो? मारने? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, असल में तुम वफादार नहीं हो ना। मैंने तुम्हारे साथ हमेशा वफादारी की है, हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। चुपचाप नीचे बैठ जाओ और उस तरफ देखो, यहाँ बैठो और उधर देखो। दोस्त कभी धोखा नहीं देता है, दोस्त वफादार होता है, और
वो अपना मुंह हमेशा बंद रखता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम चुप! तुमने प्लम्बर से बात की और उसे सब बता दिया। क्या कहा था तुमने? कि मैं बहुत कमीना हूँ, धोखेबाज हूँ। याद आया ना तुझे? मुझे यकीन नहीं हो रहा। ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुम्हारे साथ हूँ, यकीन करो प्लीज। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। तो तुम मेरे साथ हो? मुझे तुम पे यकीन नहीं है जॉनी। नो, इस तरह की फालतू बातें सुन सुन के मैं बोर हो चुका हूं। मेरी बात कान खोल के सुन लो। आज से मैं वही करूंगा जो मेरा दिल कहेगा। जॉनी, जॉनी, कूल, टेक इट इजी मैन, कूल कूल। हेलो हेलो एस्परेंजा, मिस्टर ब्रैडली कैसे हैं आप? मेरे पास एक अच्छी खबर है। ये मत कहना कि तुम्हारी और तुम्हारी बेटी की। वैसे उस पर काम कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। आपको याद है मैंने आपसे कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसा है जो मिकेला की बेगुनाही साबित कर सकता है? हाँ। वो एक वीडियो है, वो एक यादगार है जिसमें साफ है कि कातिल एक CIA एजेंट है और उसका नाम है हॉस्टन, स्टीवन हॉस्टन। स्टीवन हॉस्टन? हाँ, स्टीव हॉस्टन। क्या तुमने वीडियो देखा है? नहीं, पर मैं आपके आने का इंतजार करूंगी, फिर उसकी रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, मैं जल्दी ही आता हूँ, फिर रिपोर्ट करते हैं। अच्छा अच्छा सुनो, मुझे तुम दोनों की बहुत ही ज्यादा फिक्र हो रही थी। मेरा यकीन करो, मैं तुम दोनों के साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। मुझे बताओ इस वक्त तुम कहाँ हो? मैं आता हूँ।